मेरा नाम फिरोज है। मेरी क्लास फेलो ने मुझ पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाकर मुझे स्कूल से निकलवा दिया था। बाद में पता चला ये सारी चाल शहरोज की थी। आज मैं आलिया के कहने पर ही शहरोज की पिटाई करके आ रहा था। इल्ज़ाम लगाने के बाद आलिया ने मुझे रात को मिलने के लिए दो दफ़ा बुलाया था और मुझ पर लगे इल्ज़ाम को सच भी कर दिया था, मतलब अपने जिस्म की सैर करवा दी थी। मैं रस्ते में सोचता आ रहा था कि कहीं आलिया मेरे साथ चाल ना चल रही हो और शहरोज से अपने जिस्म की आग बुझा रही हो। कमरे तक पहुंचने के दौरान मैं मुख्तलिफ तरह से सोचता रहा। कभी सोचता आली वहाँ शहरोज के साथ अकेली है, मगर फिर ख्याल आता कि पार्क में खुलेआम शहरोज के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो आली के साथ बदतमीज़ी कर सके। खैर, मैंने कमरे में आकर अपना लिबास चेंज किया। अब मैंने विक्की को कॉल करके बुला लिया कि बाइक पर हमने एक लंबी राइड के मज़े लिए। विक्की मेरे तमाम अंदाज नोट कर रहा था। वो मुझे बचपन से जानता था, इसलिए वो फौरी तौर पर समझ गया था कि मेरी आज की खुशी बिला वजह नहीं है। आखिर इसने पूछ ही लिया कि आज के दिन मेरे चेहरे पर एक ख़ास किस्म की मुस्कुराहट खेल रही है, आखिर इसका सबब क्या है। कोई और होता तो शायद मैं इसको हरगिज़ ना बताता, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन वो मेरा बचपन का दोस्त था। इसी वजह से मैंने इसको शहरों से होने वाली मुलाकात और इसकी धुलाई करने का वाकया मुनासिब अल्फाज में बता दिया। आली का जिक्र मैंने मुकम्मल तौर पर गोल कर दिया था। आली के मामले में शायद मैं किसी को भी राजदान बनाने पर तैयार ना था। दिन के एक बजे मैंने आली का नंबर ट्राई करना शुरू किया। मेरे हिसाब से अब तक आली को शहरों से अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन आली का नंबर ऑफ था। खैर, विकी 2 बजे चला गया। इसके बाद मैं कमरे पर आ गया और मैंने मुसलसल आली का नंबर ट्राई करना शुरू कर दिया। इसके नंबर की लगातार बंदिश से मेरी झुंझलाहट में इजाफा होता जा रहा था। आखिर मैंने तंग आकर मोबाइल को ही बिस्तर पर पटख डाला। आली भी कितनी लापरवाह है, इसको अंदाज़ा ही नहीं कि इसकी वजह से कोई कितना परेशान है। मैं जेरे लब बुड़बुड़ाया। इसी दौरान मेरा मोबाइल गुनगुनाया। मैंने मोबाइल उठाकर देखा, स्क्रीन पर आली का नाम जगमगा रहा था। मेरे अंदर सुकून की एक लहर दौड़ गई, लेकिन जब मैं बोला तो मेरे लहजे में अच्छी खासी नाराज़गी का अंसर शामिल था। क्या मुसीबत है आली, इतनी देर से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ मर गई थी तुम? कुछ अंदाज़ा भी है कि पिछले चंद घंटे में मैंने कितनी अजियत में गुजारी है? मैंने बिल्कुल इस अंदाज से बात की थी, गोया वो मेरी क्लास फेलो और दोस्त ना हो बल्कि बीवी हो। आली का जवाब चंद सातों बाद आया था। शायद वो मेरे लहजे की तलखी से हैरान हुई थी। क्या हुआ फिरोज? मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी और इसी वजह से मेरा नंबर ऑफ था। मगर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे थे? वरा मुझ पर भी अच्छे खासे चला रहे हो। आली का जवाब सुनकर मुझे भी अपने लहजे की तलखी का एहसास हुआ। मैंने माजरत की, क्योंकि मुझ पर इस अंदाज से चलाने का कोई इख्तियार नहीं था। आली मेरी माजरत के जवाब में खिलखिलाकर हंस दी। मैंने इसे गिला करने के अंदाज में इसको बताया कि इसका नंबर बंद होने की वजह से मैं अच्छा खासा परेशान रहा हूँ। आली ने मेरी सारी बात सुनकर एक सवाल कर डाला, वैसे मजाक रहा एक तरफ, फिरोज क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम मेरे लिए इतने परेशान क्यों हो रहे थे? आली का अंदाज और इसका सवाल में गड़बड़ा गया। क्या मतलब? मैं तुम्हारे लिए इस वजह से परेशान था क्योंकि तुम इस जानवर के साथ थी, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। क्या तुम इस हकीकत से वाकिफ नहीं हो? लेकिन आली ने मेरे जवाब को रद्द कर दिया। नो नो, ये हमारे दरमियान पहले से तय था कि आज जब भी फ़ोन करूँगी मैं करूँगी, मेरी कॉल आने तक तुम मुझसे रब्ता नहीं करोगे। इसके बावजूद भी तुम मुझे फ़ोन करते रहे, मेरे लिए परेशान रहे, इसका क्या मतलब हुआ जनाब जी? जब वो चहकने के मूड में होती तो इसी तरह से पेश आती। मैं इसके इस सवाल से वाकई घर गया था। आज इसका नंबर बार बार मिलाते वक्त मैं ये बात भूल बैठा था कि रात को दूसरी बातें तय करते वक्त ये बात भी तय हुई थी कि पार्क में शहरोज की ठुकाई करने के बाद शाम तक मैं आली की कॉल का इंतज़ार करूँगा। पहली कॉल आली ही करे ये अच्छा, चलो मत बताओ, मैं ज़्यादा इसरार नहीं करती। फिर इसने ज़रा सा वक्फा डालकर कहा, फिरोज़ क्या आज रात को आ सकते हो घर पर? 11 बजे मैं आज रात दोबारा मिलने का सुनकर झूम उठा। आली के बदन के तमाम नज़ारे मेरी आंखों के सामने आ गए। मैंने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर हाँ कर दी। आली हंस दी और बोली, मैं तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार करूँगी। और इस सवाल का जवाब भी सोच कर आना कि तुम मेरे लिए क्यों परेशान थे। और हाँ, एक और गर्मा गर्म खबर भी है मेरे पास तुम्हारे लिए, सुनोगे तो झूम झूम उठोगे बच्चू जी। वैसे तुम्हारे इसलिए परेशान होने का सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस फिक्रे के साथ ही उसने कॉल ड्रॉप कर दी। इसकी हंसी का जलतरंग अभी भी मेरे कानों में रस खोल रहा था, लेकिन इसके पास मेरे लिए मजीद क्या खबर हो सकती थी? बावजूद कोशिश के भी मैं कोई अंदाज़ा ना लगा सका। खैर कोई बात नहीं, रात के 11 बजने में भी कितना टाइम रह गया है, जाके पूछ लूँगा इससे। ये सोचकर मैं मुस्कुरा दिया।
अब मेरे बदन के अंग अंग में आली के मरमरी जिस्म की तलब महसूस होने लगी थी। रात के 11:05 पर मैं आली के साथ इसके कमरे में मौजूद था। आज आली ने काले रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था। उसकी वालदा और बहन नींद की गोलियों के जेर असर महवे ख्वाब थी। मैंने आज की रात के लिए कोई चीज़ नहीं खाई थी। मेरे लिए पिछला तजर्बा खासा सबक आमोज रहा था, मगर दूसरे दिन सुबह पूरे दिन में दर्द रहा था और अब मैंने तय कर लिया था कि कम अज़ कम आली पर तो इस गोली का तजर्बा नहीं करूँगा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया फरोज। आली ने कमरे में पहुँचते ही वो सवाल दोहराया था। मैं अनजान बन गया। जवाब में इसने फिर पूछा कि मैं इसके लिए सारा दिन परेशान क्यों रहा, जिससे कोई जवाब ना बन पड़ा। अली के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इस सवाल के नतीजे में पैदा होने वाली मेरी कैफियत से लुत्फानंदोज हो रही है। मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर क्या हुआ है, कहीं मुझको आली से मोहब्बत हो। नहीं नहीं, मुझे आली से मोहब्बत कैसे हो सकती है, मैंने खुद ही इस ख्याल को रद्द कर दिया। आली ने भी अब खामोशी इख्तियार कर ली थी। शायद वो जान चुकी थी कि मैं न चाहते हुए भी अब अपने आप से इसके पूछे गए सवाल का जवाब मांगने में मसरूफ था। आली ने जब देखा कि इस सवाल की वजह से मेरे चेहरे पर उलझन नजर आ रही है, तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या सोच रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने आली को बाजू से पकड़कर खींचा, वो भी खुद सुपुर्दगी के इस अंदाज में मुझसे लिपट गई। शायद वो भी अब मेरी भी हद तलब महसूस करने लगी थी। तभी तो इसने आज खुद मुझे बुलाया था। जिस्म की तलब वाकई बहुत जालिम चीज़ है। ये सिर्फ मर्द को ही महसूस नहीं होती, बल्कि औरत भी इस तलब के आगे मजबूर बेबस होती है। और आली आज अपने अमल से जाहिर भी कर रही थी। आज की रात उसे मुझसे भी ज़्यादा प्यास महसूस हो रही थी। वहीं उसके वालहाना अंदाज और शिद्दत जज्बात से निकलने वाली आहें मुझे पागल कर रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इसको लाकर एकदम से इसको प्यार कर डालूं। लेकिन हर काम का एक वक़्त होता है और अभी इब्तिदा का वक़्त था। इंतहा तो खुद ब खुद आ जाना था। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े थे। आली का सर झुका हुआ था। मैंने इसका चेहरा ऊपर को किया और इसके कान में बोला, आली मैं बता नहीं सकता कि इन चंद दिनों में मुझे क्या हो गया है। मैं जब भी कहीं होता हूँ सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ। आली मेरी बातों को सुनकर मुस्कुराई। मैंने अपनी बात जारी रखी, जानती हो मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म के लिए ही तुम्हारे पास नहीं आता। अब तो ऐसा महसूस होने लगा है कि तुमको देखे बिना मेरा दिन बेहद उदास गुजरता है। तुम पूछ रही थी ना कि मैं क्यों परेशान रहा, तो मैंने इस सवाल का जवाब समझ लिया। आली मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आली, हाँ आली, आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं वारफ्तगी के आलम से बोल रहा था। मेरे इसके जिस्म पर गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई थी। आली ने भी खुद को मेरे और करीब कर लिया था। आली से जब रहा ना गया तो मुझे मुखातब करके बोली कि आज की रात बातें ही करने का इरादा है। मैंने इसकी तरफ देखा, इसके इस फिक्रे से मैं हंस दिया। आली ने भी एक मुस्कुराहट उछाली और बेड पर बैठ गई। मैं भी इसके साथ ही बैठ गया। इसने अपने दूसरे हाथ मेरे सीने पर रखकर मुझे हल्का सा पीछे को धकेला। मैं मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गया। इसकी आँखें जो कि मज़े से बंद थी, उसने एक बार खोली और मेरी जानब देखा। इसकी आंखों में खुमार साफ नज़र आ रहा था। मेरी अपनी कैफियत भी ऐसी ही थी। इसने मुझसे आहिस्तगी से पूछा, कैसा लगा जाने मन। आली ने अपने दोनों हाथ जो कि अब आज़ाद थे मेरे सीने पर टकाए। इसके साथ ही इसने कहा, आज मैंने सोच रखा था कि जो भी करूँगी मैं ही करूँगी, तुम बस मज़े लेना। मैंने इसकी बात के जवाब में कहा, लेकिन आली इतनी जल्दी। इसने मेरी बात काट दी और अपनी दाएँ हाथ वाली उंगली अपने होठों पर रखकर बोली, इसकी लंबी शेष ने मुझे चुप करवा दिया। शायद आज वो इसी तरह से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। इसकी आंखें कभी बंद होती थीं और कभी वो अपनी आंखें खोलकर एक नज़र मुझे देखती और हंसते हुए दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेती। इसकी उछल कूद जारी थी। उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। आली बेड पर लेटे हुए मेरे साथ चिमट कर लेट गई और मेरे सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, फिरोज आज मैं बहुत खुश हूँ। आज के दिन मैंने अपने ऊपर तुम्हारा एक और कर्ज उतार दिया है। मेरी बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि मैं शहरोज को किसी भी तरह तुम्हारे हाथों से पिटता हुआ देखूं, और इसकी पिटाई की वजह भी मैं खुद ही बनूं। और देख लो कि आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। आज का दिन मेरे लिए ईद से कम नहीं है फिरोज। आली ने बोलते हुए मेरे सीने पर रसर रखकर आंखें मूंद ली। मैं इसके बालों में हाथ फेरता रहा। हम दोनों ही बेफिक्री से लेटे हुए थे। आली के जिस्म से उठने वाली खुशबू मेरे जब्त का इम्तिहान ले रही थी। मैंने इसकी कमर पर अपना दूसरा हाथ रखा और बोला, लेकिन मेरा इसे हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। आली ने जो जख्म मुझे लगाए हैं, ये आज की पिटाई का तो इनका मुदावा नहीं हो सकती। अभी तो शहरों से मुकम्मल इंतकाम लेना बाकी है। मैंने महसूस किया कि आखिरी फिक्रे बोलते बोलते मेरा लहजा इंतहाई जहरीला हो गया था। आली ने सर उठाया और मेरे चेहरे का बोसा लेते हुए बोली, जानती हूँ
और इसीलिए आज शाम को मैं फ़ोन पर तुमसे कह रही थी कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गर्मा गर्म खबर है जो तुमको बेहद खुशी देगी। मैंने जब इससे पूछा कि इसके पास ऐसी कौन सी खबर है जो इतनी ख़ास है मेरे लिए, तो इसने कहा